वेल देखो और दोस्तों, आज की वाली वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के BGMI से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करने वाला हूं। और भाई क्यों BGMI इंडिया के अंदर पूरी तरीके से डेड होने वाला है, आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा। और भाई इसमें पूरी तरीके से जो फॉल्ट है वो कहीं ना कहीं ग्राफ्टन का होने वाला है। और भाई एकदम लेजिट प्रॉब्लम है भाई, और बहुत ही मेजर इशू है। इसको अगर फिक्स नहीं किया गया तो आने वाले टाइम में गेम जो पूरी तरीके से डेड हो जाएगा। आप लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो मुझे कॉमेंट करके बताओ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अभी जो सबसे बड़ा बिगेस्ट प्रॉब्लम गेम के अंदर आ गया है वो है दोस्तों आप लोगों की BGMI आईडी बैन होने का प्रॉब्लम। जी हाँ, BGMI की आईडी भाई बैन हो रही है 10 साल के लिए। अब दोस्तों ये क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे एक 3.5 MB का अपडेट आया था, उसके बाद गेम के अंदर एक ऐसा ग्लिच आ गया है जिससे दोस्तों अगर आप लोगों ने गलती से भी अपनी BGMI आईडी को लॉग आउट, लॉग इन या आईडी स्विच किया तो भाई यहाँ पे क्राफ्टन आपकी आईडी को परमानेंट यानी 10 ईयर्स के लिए बैन करेगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ना मतलब एक तरीके से मतलब एक दो प्लेयर के साथ नहीं हो रहा है भाई, लाखों प्लेयर इससे अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर लो BGMI आईडी 10 ईयर्स बैन, आपको मल्टीपल वीडियोज दिख जाएगी। बड़े बड़े क्रिएटर्स ने इस टॉपिक को टच किया है जस्ट बिकॉज कि भाई ये टॉपिक सच में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ आज के टाइम पे। और क्राफ्टन को कहने के ये सारी चीजें पता है, और भाई क्राफ्टन पता नहीं क्यों इन सारी चीजों को इग्नोर कर रहा है, क्यों नहीं पैच अपडेट देकर ये सारी चीजों को फिक्स कर रहा है। जिनकी आईडी बिना किसी वजह के बैन हुई है उसको क्यों नहीं अनबैन कर रहा है, कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है, मेरे को नहीं पता। आप लोगों को इसके ऊपर क्या कहना है मुझे कॉमेंट करके बताओ। तो ये प्रॉब्लम भाई अभी के टाइम पे बहुत बड़ा है। इसके अलावा दोस्तों यहां पे और भी कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि आप में से बहुत सारे लोग फेस कर रहे होंगे, जो कि दोस्तों आप लोगों का FPS ड्रॉप का। जी हाँ, 10 से 20 FPS पे गेम आके आपका अटक जाता है। जी हाँ, मान के चलो अगर आप लोग Android में खेल रहे हो आपका 60 FPS सपोर्ट करता है, iPhone में खेल रहे हो 90 FPS सपोर्ट करता है, लेकिन आप लोगों का जो FPS है ना वो आपका 10 टू 20 में आके स्टक हो रहा है। और भाई जब ये 10 टू 20 में आपका जो FPS ड्रॉप होता है, गेम इतना ज्यादा लैगी हो जाता है, इतना ज्यादा गेम फंसता है कि भाई आप बॉट को नहीं मार पाओगे, बॉट आपको मार के चला जाएगा। मैं बॉट प्लेयर की बात कर रहा हूं, एग्जैक्ट बॉट की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो इस तरीके से जो इश्यूज है वो गेम के अंदर चल रहा है। और ये FPS ड्रॉप वाला प्रॉब्लम भाई इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है ना, इससे तो मैं कितना बार ही भाई बंदे से मारा हूं, आप लोग भी मरे होंगे। आप लोगों ने ये चीज एक्सपीरियंस किया कि नहीं प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके डेफिनेटली बता सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं अगली चीज के बारे में जो कि है दोस्तों आप लोगों का ये अब मोड। जी हां, ये इतना बकवास मोड दोस्तों इन्होंने डाला है। अगर आप लोग मेन POI पे उतरते हो तो भाई इतना, सबसे पहले तो भाई इतना ज्यादा लैग करता है, इतना ज्यादा लैगी है कि भाई आप लोग उतरोगे गन उठाते उठाते ये बंदा आपको सामने से मार के मतलब भाई खत्म कर देगा। ठीक है, आपको लॉबी पहुंचा देगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें गेम के अंदर है। और भाई इस अब जो ये जो आपका मोड आया ना, इसके अंदर बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन का इशू है। अब ये कहां से दोस्तों यहां पे लूप होल है, कहां से क्या प्रॉब्लम है, इसके ऊपर कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। जी हां, आप लोग नोटिस कर रहे होंगे। और दूसरी तरफ अगर मैं पबजी मोबाइल की बात करूं तो पबजी मोबाइल भाई मक्खन चल रहा है, स्मूथ चल रहा है भाई, चकाचक चल रहा है, किसी भी तरीके का कोई दिक्कत पबजी मोबाइल के अंदर नहीं है। और कहीं ना कहीं क्राफ्टन भाई ये सारी चीजों से अच्छे से अवेयर होगा कि गेम के अंदर बहुत ज्यादा इशूज है। अगर आप लोग बैटल ग्राउंड स्मॉल इंडिया के कोई भी पोस्ट को उठाओगे तो वहां पे मल्टीपल कमेंट्स है भाई, मल्टीपल लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई गेम को सही करो, गेम को ऑप्टिमाइज करो, बट BGMI डे बाय डे वॉस्ट होता जा रहा है। अब आप ही मुझे कमेंट करके बताओ कि अगर कोई गेम जो कि भाई इतना बड़ा गेम है भाई, इनके जो यूज जो डेटा बेस है, जो यूजर बेस है, वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। ई स्पोर्ट्स में अगर अभी आप लोगों ने देखा था कि अभी जो आपका चल रहा था BMPS, इसमें भाई लाइव जो वॉचिंग गया था वो 500K टच किया है। ठीक है, और ये सेकेंड हाईएस्ट वॉचिंग दोस्तों अभी तक के कोई ई स्पोर्ट टूर्नामेंट में लोगों ने अचीव किया है। इससे पहले जब बैटल ग्राउंड स्मॉल इंडिया फर्स्ट टाइम इंडिया में लॉन्च किया था तो उसमें दोस्तों इस तरीके का वॉचिंग आया था, और उस वो रिकॉर्ड को अभी तक नहीं तोड़ा गया है, ये सेकेंड हाईएस्ट वॉचिंग था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्राफ्टन का जो प्लेयर बेस है वो बढ़ रहा है, क्राफ्टन का जो लाइव वॉचिंग है वो बढ़ रहा है, क्राफ्टन का जो क्वार्टरली अर्निंग है वो बढ़ रहा है। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है भाई, प्रॉब्लम हो रहा है नॉर्मल प्लेयर्स को, क्योंकि भाई उनको सही से गेमिंग एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है। ठीक है भाई, गेम के अंदर चीटर्स है, गेम के अंदर इतने चीटर्स है कि मैं आपको बता नहीं सकता, गेम के अंदर सर्वर हैकर्स है, गेम के अंदर सर्वर हैकर आते हैं, गेम पूरी तरीके से स्टक हो जाता है भाई। ठीक है, और ये सारे इश्यूज दोस्तों बहुत टाइम से चले आ रहे हैं, और भाई पता नहीं इसको क्यों नहीं ये लोग एड्रेस करते हैं, क्यों नहीं इसके ऊपर काम करते हैं, मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। तो ये सारे जो इश्यूज मैं आपको बता रहा हूँ ये एक बड़ा ही मेजर इशू है भाई, इसको आई थिंक क्राफ्टन को कंसिडर लेना चाहिए, करना चाहिए, सीरियसली लेना चाहिए, और ये सारे
इश्यूज को जल्द से जल्द फिक्स करना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ और भी चीजें बताना चाहता हूँ। आप लोग ना अब मुझे कमेंट करके बताओ कि ये सारे जो इश्यूज मैंने बताए क्या आप लोग भी फेस कर रहे हो, ये सब प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। और भाई क्राफ्टन का मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई जो गेमिंग गेम को ऑप्टिमाइजेशन करने पे बहुत कम ध्यान है, और भाई ई स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा इनका ध्यान है। और ई स्पोर्ट्स में आप लोग देख ही रहोगे भाई ये लोग अच्छा भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनको नॉर्मल प्लेयर्स के बारे में भी सोचना चाहिए, जो लोग गेम खेलते हैं, जो लोग गेम को एंजॉय करने के लिए आते हैं, दिन भर जॉब करते हैं, शाम में आते हैं, रात में गेम खेल करके थोड़ा सा टाइम पास करते हैं, माइंड फ्रेश करते हैं, और उसमें अगर गेम फंसेगा, गेम लैग करेगा एक अच्छा फ्लैगशिप डिवाइस होने के बावजूद भी, तो भाई कौन गेम खेलेगा भाई। ऑब्वियसली जो BGMI जो पबजी मोबाइल है ना वो BGMI को रिप्लेस कर देगा। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आजकल पबजी मोबाइल लाइट और पबजी मोबाइल ग्लोबल ना बिना VPN के चल रहा है। और भाई मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका ऑफिशियल सेटअप को छोड़ के बता रहा हूँ, अगर आपके पास प्ले स्टोर वाला वर्जन है तो आप जाओ अभी चेक करो, आपका BGMI बिना VPN के चलेगा। भाई आईफोन की बता रहा हूँ, आईफोन के ऊपर जो बिना VPN के पबजी खुलता नहीं था, आईफोन के ऊपर बिना VPN के चल रहा है। तो भाई क्यों ना बहुत सारे प्लेयर पबजी मोबाइल में शिफ्ट करेंगे भाई, आराम से वहाँ पे ग्लोबल मैच मेकिंग भी होती है। और पबजी मोबाइल के अंदर बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो BGMI से भाई कोसों दूर है, BGMI भाई उसके आसपास भी नहीं आता है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, जैसे BGMI का दोस्तों अगर मैं आप लोगों को रिडीम सेक्शन दिखाऊँ, तो BGMI के रिडीम सेक्शन में आप लोग का जो सिल्वर से है वो पैन का मिथिक पैन का स्किन दे रहा है। और अगर आप लोग पबजी मोबाइल का देखोगे तो यहाँ पे भाई आप लोग को गन स्किन भाई टाइम टू टाइम जब भी नया अपडेट आता है तो नया गन स्किन भी अपडेट होता है, ठीक है। तो रिडीम शॉप में भी दोस्तों ये लोग कहीं ना कहीं पीछे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आप लोग क्लासिक क्रेट देखो, क्लासिक क्रेट में ये लोग मिथिक आउटफिट्स डालते हैं, देख पा रहे हो। और BGMI के अंदर क्या है भाई, लेजेंडरी आउटफिट्स ये लोग डाल देते हैं, और पबजी मोबाइल के अंदर भाई मिथिक्स भी आते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे प्रीमियम क्रेट देखो, प्रीमियम क्रेट के अंदर भाई अपग्रेडेबल गन आता है पबजी मोबाइल के अंदर, लेकिन BGMI के अंदर ये लोग एक नॉर्मल गन ही देते हैं, ठीक है। साथ साथ दोस्तों इनका जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत बेकार है प्रीमियम क्रेट का, ठीक है। BGMI के आप लोग यहाँ पे सप्लाई क्रेट को भी चेक कर सकते हो, सप्लाई क्रेट देख लो पबजी मोबाइल का, इसमें भाई आप लोग को जो ना US का स्किन मिल रहा है, जी हाँ बिल्कुल फ्री में। और BGMI के अंदर देखो वही सड़ा घिसा पिटा आउटफिट्स वगैरह आपको दिख रहा होगा, बगी का स्किन इन्होंने डाला है एपिक रियलिटी वाला, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर मैं आपका मिथिक फौज का बात करूँ तो देख पा रहा हूँ मिथिक फौज दोस्तों इस बार इन्होंने अपडेट भी नहीं किया, अच्छे अच्छे मिथिक आउटफिट्स पबजी मोबाइल के अंदर आते हैं, ऊपर में आपको दिख रहा होगा अपग्रेडेबल गन्स आते हैं पबजी मोबाइल के अंदर, लेकिन BGMI ये सब नहीं देता है। इसके साथ साथ दोस्तों जो आप लोगों का प्राइम प्लस का स्टोर है उसमें ये लोग देख पा रहे हो कि BP कॉइन से लेजेंडरी आउटफिट बैकपैक की स्किन और भी कई सारी चीजें देते हैं, गन स्किन देते हैं, और ये लोग BP से क्या दे रहे हैं, सिर्फ यहां पे वाउचर देते हैं 50 UC 30 UC का। इतने सारे इशू है। साथ साथ दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो कि एपिक जो टाइप अपग्रेड वेपन्स ये लोग लाके देते हैं, देख पा रहे हो BGMI का आप लोग चेकआउट कर लो भाई, BGMI के अंदर भाई आप लोगों का देख पा रहे हो कितने यूसी में ओपनिंग हो रहा है, 8 UC में, और पबजी मोबाइल के अंदर 0 UC में आप क्रेट ओपनिंग कर सकते हो। आपके अकाउंट में यूसी है नहीं है मैटर नहीं करता, आप लोग एक क्रेट बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हो। इसके अलावा BGMI ना यहाँ पे जो होम वाला फीचर है वो भी ऐड नहीं किया है, ठीक है। तो इससे दोस्तों क्या होता है ना कि आपको फ्री जो मिथिक्स होता है वो मिलता है, न्यू कंपेनियन का स्किन मिलता है, जो होम बैटल होता है ना उसमें आप लोग अगर प्ले करते हो तो आपको यहाँ पे स्किन्स वगैरह दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों BGMI के अंदर आनी चाहिए, वरना दोस्तों पबजी मोबाइल जल्दी BGMI को रिप्लेस कर देगा, और कहीं ना कहीं दोस्तों काफ़ी सारे जो प्लेयर है वो छोड़कर पबजी मोबाइल में शिफ्ट कर जाएंगे। अब इसके ऊपर आपका क्या कहना है प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बताना। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, लाइक कर दो भाई, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करना। बाय गाइज़।